नमस्कार, ब्रेकिंग विद एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में चर्चा देश का नाम इंडिया की जगह भारत करने की। सरकार ने इंडिया लिखने की चलन को खत्म करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा दिया है। G20 के डिनर के लिए निमंत्रण पत्र में राष्ट्रपति के लेटर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने के बाद सरकार ने एक और जगह ये बदलाव किया। पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे के फंक्शन नोट में भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया। दरअसल पीएम मोदी 8 से 2 दिन के इंडोनेशिया दौरे पर हैं। सरकार के इस फैसले पर विपक्षी गठबंधन इंडिया की ओर से करारा हमला बोला गया। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, RJD समेत तमाम दलों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस कह रही है कि संविधान कहता है कि इंडिया दैट इज भारत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया तो क्या देश का नाम बदल देंगे? ऐसे में अगर गठबंधन का नाम बदलकर भारत कर लेंगे तो क्या भारत भी बदल देंगे? वही बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, वो कह रहे हैं कि ये दिखाता है कि पीएम मोदी इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं। सरकार की ओर से भी पलटवार किया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष को देश से बड़ा दल नजर आता है और ये राजनीति के चक्कर में फंसकर कई बार देश की छवि खराब करने का काम करते हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले किस तरह का वार पलटवार चल रहा है उस पर नजर डालिए। तो बता दें, देखिए अब एक नई बहस यहां पर छिड़ गई है। कल जिस तरह के राष्ट्रपति का जब निमंत्रण पत्र सामने आया G20 के लिए, तो तभी से इस धुएं ने एक तरह से आग का काम किया और उसके लिए किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई, सबसे पहले वो देखिए। जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे? देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया तो फिर भारत भी बदल देंगे? फिर क्या भारत का नाम BJP रखेंगे? इंडिया नाम से ये डरे हुए क्यों हैं? ये साफ यही ना दिखाता है कि मोदी जी इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं। अब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पासपोर्ट पे देखिएगा तो इंडिया का जिक्र है। प्रधानमंत्री जी को अगर इंडिया नाम से आपत्ति है तो भारत नाम से भी आपत्ति होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिया दैट इज भारत। सर आप गठबंधन का नाम है इसलिए जा रहा, क्यों किया जाए? देखिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन कोट कर रहा हूँ, इंडिया दैट इज भारत। तो इनवाइट भी अगर भारत से नाम से तो इससे किसी को परहेज क्यों होना चाहिए? ये भारत विरोधी कौन है? भारत का विरोध कौन कर रहा है? क्या अब नाम से भी दर्द होना शुरू हो गया? इनको देश से बड़ा दल नजर आता है और ये राजनीति के दलदल के चक्कर में इसमें फंस के है। ये कई बार देश का भी एक तरह से बाहर की धरती से भी बदनाम करने का, छवि खराब करने का काम करते हैं। और यहां पर भी देखिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप बहुत सारे इन्वाइट पे देखते होंगे भारत सरकार के द्वारा निमंत्रण भेजा गया है, तो यहां कहां दिक्कत है? तो इंडिया की जगह भारत पर संग्राम, आज यही चर्चा हम करने वाले हैं और इसी पर विश्लेषण बड़े पैनल के साथ करेंगे।